हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इस तरह की तोरण बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के जो मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि हमें मटेरियल नहीं मिल पाता, आप जो सिखाते हैं वो हम बना नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम अब से आपके सॉल्व होने वाली है। आप यहाँ पर जो देखते हैं, सीखते हैं, वो सब बना पाएंगे। जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया है वो सब आप मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और आज का जो ये तोरण का वीडियो है वो भी सारा सामान, इसका DIY किट आप मंगवा सकते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट द प्राइसेस एंड क्वालिटी, आप अपने जो लोकल मार्केट है या फिर ऑनलाइन जो मार्केट है वहाँ से प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से मटेरियल की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप बना पाएंगे जो आप यहाँ से सीखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये गोल्डन कलर की लेस है तोरण के बेस के लिए। 1.5 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई है और 37 इंचेस लंबाई मैंने ली है। ये एक स्ट्रिप मैंने रेडी करके रखी है और इसके पीछे जो है फ्यूजिंग मैंने पेस्ट कर दिया है। फ्यूजिंग से जो है इसे थोड़ी स्टिफनेस मिलेगी। उसके बाद गोल्डन कलर की ये एक और लेस जो है वो हमें लेनी है। इसे हमें इसके नीचे और ऊपर इसके किनारों पर पेस्ट करना, आप चाहे तो ग्लू गन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं स्टिच कर रही हूँ, तो इस तरह से जो है ऊपर और नीचे हमें इसे लगाना। तो यहाँ जो है मैंने इसे स्टिच कर लिया है। पीछे में देखिए फ्यूजिंग है, उसके ऊपर भी स्टिच आ गया है, तो ये और स्ट्रोंग हो गया है, धोने से निकलेगा नहीं। उसके बाद इसे हम एक बार साइड रखेंगे। ये मरून और ग्रीन कलर की लेस है, सर्कल्स हैं। इस लेस को हम थोड़ा हेवी लुक देंगे। यहाँ पर ये मैंने रेडी करके रखा है कुछ ड्रॉप शेप के पर्ल्स और फ्लावर्स यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। कैसे लगाने हैं, थ्रेड और नीडल हमें लेना है। थ्रेड के एंड में एक नोट लगाना है। यहाँ जो मरून कलर का सर्कल है उसके सेंटर में हमने ग्रीन कलर का पर्ल लगाया है, और इसके पेटल्स में जो है ड्रॉप शेप के 4 पर्ल्स लगाए हैं। तो इस तरह से हैंड स्टिच कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहे तो इसे चिपका भी सकते हैं, लेकिन वो धोने से निकलने का डर रहेगा, क्योंकि तोरण जो है वो हमें धोनी ही पड़ती है, दरवाजे पर रहती है, उस पर बहुत धूल मिट्टी आती है। तो जितना ज़्यादा काम हो सके आप हाथ से या फिर स्टिच करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो स्ट्रोंग रहे, लंबे टाइम तक चले। तो इस तरह से जो है इसे हमें लगाना है। यहाँ पीछे में हम नोट लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ जो ग्रीन सर्कल है वहां पर हमें जाना है। इस तरह से बहुत पुल करके थ्रेड को नहीं लेना है, इस तरह से थ्रेड को रखना है। और ये गोल्डन कलर का फ्लावर है, नॉर्मली लटकन में यूज होता है, लेकिन कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और इस तरह से बहुत सिंपल तरीका है, इन्हें हमें अटैच कर लेना है। नोट लगाकर अच्छी तरह से हम इसे सिक्योर कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर देंगे। तो इस तरह से ये लेस हमारी रेडी है। इसे हमें क्या करना है, जो तोरण का बेस है हमारा इसके सेंटर में पेस्ट करना है। यहाँ पर जो है मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक तो फैब्रिक टू फैब्रिक ग्लू गन अच्छा चिपकाता है, और दूसरा इसके पीछे जो थ्रेड हैं, जो हमने ये पर्ल्स वगैरह लगाने के लिए थ्रेड जो इसके पीछे है लेस के, उन्हें ये अच्छे से सिक्योर कर देगा, चिपका देगा। तो ये जो वर्क हमने किया है ये और स्ट्रोंग हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक ग्लू यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन ना हो। तो इस तरह से जो है ये बेस हमें रेडी करना है। उसके बाद बारी आती है लटकन की। तो यहाँ पर देखिए हमने छोटे बड़े क्रम में इस तरह से लटकन को लगाया है, और जो सर्कल है उसके सेंटर से हमने लटकन लिए हैं। तो ये आपको पहले से मार्क करके रखने पड़ेंगे। तो यहाँ जो है एक लटकन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने लगाया है। गोल्डन कलर का एक छोटा पर्ल हमें लेना है, और
थ्रेड के साथ जो है इसे इस तरह से नोट लगाकर अटैच करना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड होता है उसे कट कर देना है। उसके बाद ये एक तिलक शेप का हैंगिंग है हमारे पास, और गोल्डन कलर का फ्लावर जो हमने लेस में भी यूज़ किया था उसे हम इस तरह से अटैच करेंगे। और यहाँ पर देखिए छोटा लटकन जो हमने लगाया उसमें पर्ल्स कम है, तीन तीन मरून और ग्रीन कलर के, और जो बड़ा है उसमें पांच पांच है, एक ड्रॉप शेप का पर्ल है। तो यहाँ पर हमें बड़ा लटकन लगाना है, तो इस तरह से हमने पर्ल्स डाल लिए। अटैच करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो मार्क हमने की है इसके सेंटर से, वहाँ से हमें इस तरह से निडल को इंसर्ट करना है। बहुत पुल करके थ्रेड को नहीं लेना है, हल्के हाथों से, और इस तरह से जो है दो तीन नोट अच्छी तरह से लगाकर हम इसे सिक्योर कर देंगे। तो और यहाँ पर जो है हमने थोड़े लंबे थ्रेड रखे हैं, यहाँ ग्लू लगाकर इसे सिक्योर कर देना है। और ये जो है हुक हमने लगा लिया है, हैंड स्टिच किया है। सो कंप्लीट होने के बाद इस तरह का हमारे तोरण का लुक रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।